हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है पिता का दर्द। एक बार मनोरंजन नाम का एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। उसका एक बेटा था जो काम के दौरान गांव से दूर एक शहर में रहता था। मनोरंजन अपने बेटे से मिलना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे से मिलने के लिए शहर जाने का फैसला किया। वह अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी और ने घर का दरवाज़ा खोला। मनोरंजन ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उनका बेटा उस घर से चला गया है और अब किसी अलग जगह पर रहता है। मनोरंजन बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उन नए घर वालों से अपने बेटे का कार्यालय का पता मिला। उसने उनका शुक्रिया अदा किया और अपने बेटे के ऑफिस चला गया। मनोरंजन कार्यालय पहुँचे और स्वागत समारोह में अपने बेटे के बारे में पूछताछ की। वहाँ रिसेप्शनिस्ट ने उनके बेटे को फ़ोन किया और उसे अपने पिता के आने के बारे में बताया। बेटा अपने पिता के आने से बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत रिसेप्शनिस्ट से अपने पिता को अपने कार्यालय में भेजने के लिए कहा। जब मनोरंजन ने कार्यालय में प्रवेश किया, अपने पिता को सामने देखते ही उसके बेटे की आंखों में आंसू भर आए। बेटा अपने पिता से कुछ देर तक बातचीत की और फिर मनोरंजन ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है, क्या तुम मेरे साथ घर आ सकते हो। बेटे ने जवाब दिया, माफ़ करना पापा, मैं अभी घर नहीं आ सकता, मेरे पास बहुत काम है और अगर मैं अभी चला गया तो इसे संभालना मुश्किल होगा। मनोरंजन मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप अपना काम कर सकते हैं, मैं शाम को गांव के लिए निकलूँगा। बेटा उदास हो गया और अपने पिता को कुछ दिनों तक उनके साथ वहां रहने का अनुरोध किया, लेकिन मनोरंजन ने यह कहते हुए मना कर दिया, जब आप अपने काम में व्यस्त हो तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता या आप पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। आशा है कि अगर आपके पास कभी समय हो तो आप अपनी माँ के साथ मिलने आएं और मुझे आपको देखकर बहुत खुशी होगी। मनोरंजन यह कहकर चला गया। कुछ दिनों के बाद बेटे को अपने काम से कुछ समय मिला और उसने अपने पिता के आने के बारे में सोचा। वह चिंतित हो गया और उस समय अपने पिता को अकेला छोड़ने के लिए खुद को दोषी महसूस किया, इसीलिए उसने अपने कार्यालय से छुट्टी ली और अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव चला गया। लेकिन यह देखकर चौंक गया कि उसके माता पिता उनके घर पर नहीं थे। जब उसने पड़ोसी से पूछताछ की तो वह यह जानकर चौंक गया कि उसके माता पिता इस जगह को छोड़कर अब दूसरी जगह चले गए हैं। बेटे को पड़ोसी से नए जगह का पता चला और वह वहाँ पहुँचा। बेटे ने देखा कि वह जगह कब्रिस्तान की तरफ लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह डरकर धीरे धीरे उस जगह की ओर चल पड़ा। दूर से देखा, एक हाथ उनके तरफ लहरा रहा है। उसने गौर से देखा तो उसे पता चला वह उनके पिता हैं। वह दौड़ा और अपने पिता को गले लगा लिया। उसके पिता मनोरंजन ने कहा, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। बेटे ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। मनोरंजन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, तुम उदास क्यों हो, क्या कुछ गलत हुआ है। बेटे ने जवाब दिया, नहीं पापा, बस मैंने कभी आपको इस हालत में देखने के बारे में नहीं सोचा, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, गांव में उस घर को क्यों छोड़ा। मनोरंजन ने उत्तर दिया, बेटा मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था और तुम शहर चले गए, लेकिन खेतों में नुकसान के कारण मैं वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। मैं तुम्हारे पास गया, लेकिन तुम पहले से ही अपने काम को लेकर परेशान थे और मैं इस समस्या का बोझ आप पर नहीं डालना चाहता था, इसीलिए मुझे उस कर्ज को चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। बेटा गुस्सा होकर कहा, लेकिन तुम मुझे बता सकते थे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मनोरंजन ने जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा, मुझे बस हर वक्त तुम्हारी खुशी चाहिए,
बेटे ने अपने पिता को गले लगाया और उस दिन के लिए माफ़ी मांगी। मनोरंजन ने जवाब दिया, माफ़ी मत मांगो बेटा, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कुछ समय बिताओ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और इस उम्र में तुम्हें देखने के लिए हमारे लिए शहर जाना मुश्किल है। जब भी तुम्हारे पास समय हो बस हमसे मिलने आ जाया करो। तुम्हारी माँ और मैं थोड़े समय के लिए तुम्हें देखने के लिए परेशान हो गए थे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।